नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट। नेक्स्ट है ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू रियल नंबर इफ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू थ्री एंड एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एक्स वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू रियल नंबर समीशन एन इक्वल टू वन टू टेन एफ एन इक्वल टू पूछा है। क्या करेंगे देखिए, अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बाद वाले जो मैं करवा रहा हूँ उसमें टफ है या टाइम लग सकता है, तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि थोड़ा सा आप आराम से जो सिंपल क्वेश्चन थे उन्हें ही पहले करना है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मैं एक्स की जगह वन रख दूँ तो मुझे मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी और ये गिवन है ऑलरेडी थ्री, मीन्स एफ वन की वैल्यू थ्री है। अब बाकी हम कैसे निकालेंगे बताता हूँ। जैसे आपसे एफ वन पूछा है, फिर एफ टू अगर निकालना होगा तो एफ टू क्या होगा, तो एफ टू मैं इस कंसेप्ट से निकालूंगा। देखिए एफ टू को मैं ऐसा लिख सकता हूँ एफ वन प्लस वन, तो एफ वन प्लस एफ वन प्लस वन इंटू वन, एफ वन कितना है थ्री, तो थ्री प्लस थ्री प्लस वन मीन्स सेवन। अब मैं आपसे बोलूँ एफ थ्री क्या होगा, तो एफ थ्री को मैं ऐसा लिख सकता हूँ एफ टू प्लस वन, तो एफ टू प्लस एफ वन प्लस टू इंटू वन, तो एफ टू निकाले आपने इसलिए था सेवन प्लस थ्री प्लस टू, ये हो गया ट्वेल्व। इसके अलावा ऐसे इसमें कंक्लूजन दे सकते हैं, पर चलिए फोर भी निकाल लेते हैं समझाने के लिए। थ्री प्लस वन क्या होगा, एफ थ्री प्लस प्लस एफ थ्री प्लस एफ वन प्लस थ्री इंटू वन, तो एफ थ्री कितना है ट्वेल्व, एफ वन है थ्री प्लस वन, ये हो गया नेट वन नहीं थ्री सिक्स एटीन। अब अगर हम देखें तो हमें टेन तक जाना है, तो एफ टेन तक जाना है तो कोई दिक्कत नहीं, हम टर्म लिखना चालू करें। तो पहला टर्म आएगा एफ वन, दिस इज थ्री, नेक्स्ट टर्म आएगा सेवन, नेक्स्ट टर्म आएगा ट्वेल्व, राइट, नेक्स्ट टर्म आएगा एटीन, इसमें फोर का डिफरेंस है, इसमें फाइव का, इसमें सिक्स का, तो इसका मतलब ये स्पेशल ए पी बन रही है। तो इसके टोटल मुझे अप टू टेन टर्म तक का समेशन निकालना है, राइट कैसे निकालेंगे वो देखिए। अभी टेन टर्म तक का समेशन कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहला काम आप ये करिए, थ्री एस टेन तक का निकालना है प्लस सेवन, एक टर्म छोड़ के लिखते हैं, अप टू टेन टर्म ही लिखिएगा जब ही निकाल पाएंगे आप, एक टर्म छोड़ के लिखा मतलब थ्री सेवन अप टू, यहाँ पर नाइन्थ टर्म आएगा और ये टेन टर्म आ गया। टेन टर्म को हम एन ही मान लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, एन की जगह हम बाद में टेन रख देंगे, नहीं तो आप समेशन नहीं निकाल पाएंगे। ये आया थ्री, ये आया फोर, ये आया फाइव, ये आया सिक्स, यहाँ पर एन टर्म माइनस ऑफ टी एन, तो मेरे पास टी एन क्या आ गया, टी एन आ गया थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स अप टू एन टर्म, राइट। अगर मैं इसका समेशन करने के लिए बोलूँ तो आप बोलोगे एन बाय टू 2 इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी इज वन, तो एक तरह से n बाय टू एन प्लस फाइव आया, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं 1 बाय टू बाहर लिख दें तो एन स्क्वेयर प्लस अब फाइव एन, राइट। अब आपको 10 टर्म तक का समीशन बताना है तो क्या करोगे आप, सिंपली आप एस टेन बताना चाहते हो तो 1 बाय टू सिग्मा एन स्क्वेयर प्लस फाइव सिग्मा एन और एन की जगह 10 रख दें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 1 बाय टू 10 इंटू टेन प्लस वन 21 बाय सिक्स प्लस फाइव इंटू टेन 10 प्लस वन बाय टू, सॉल्व करिए, ये 1 बाय टू है रहने दीजिए, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 3 से 7 टाइम 2 ये 5 टाइम 35 इंटू 11 करेंगे तो 385 प्लस ये कैंसिल कर दिया 5 टाइम 55 इंटू 25 इंटू 5 कर दें 25 इंटू 11 तो 2775, इसको ऐड करिए ये हो गया कितना 660 और बाय 2 करेंगे तो 330 इज अ राइट आंसर, तो करेक्ट आंसर हुआ 330, राइट। पहले सीरीज बनाई फिर सीरीज को हमने ऐड कर दिया तो नेट आंसर आया 330, नोट डाउन। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नॉर्मल टू द कर्व y इंटू एक्स प्लस सिक्स अपॉन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, एक नॉर्मल की इक्वेशन दी है, ऐसा भी लिख सकते हो एक्स प्लस सिक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स एट द पॉइंट वेयर द कर्व इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस, ये कर्व जो है वो वाई एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है, पासिस थ्रू द पॉइंट। अब सबसे पहले ये
एक्सिस को अगर कट कर रहा होगा तो ऑब्वियसली वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट 0, y होते हैं, तो एक्स की अगर वैल्यू 0 रख दूं मैं तो वाई की वैल्यू 1 मिल गई, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मुझे मिल गए 0, 1। अब 0, 1 से मैं नॉर्मल की इक्वेशन निकालता हूँ और देखता हूँ कौन सी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करेगी। ये नॉर्मल हो गई, टेंजेंट होगी, तो सबसे पहले इसका स्लोप निकालें, जिससे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 6 इंटू 2x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर। 0, 1 से निकालना है तो dy/dx एट 0, 1, तो x की जगह 0 रख दें तो 6 माइनस, ये देखिए कितना हो जाएगा, 6 इंटू माइनस 5 बाय 6 का स्क्वायर 36, ये आ गया 1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस 1 होगा, तो y माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 0, तो y माइनस 1 इक्वल टू माइनस x या x प्लस y इक्वल टू 1। अब इसको आप देखिए कौन से ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, अगर ध्यान दें तो एक यही ऑप्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है 1/2, 1/2, तो करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर एनी 3 पॉजिटिव रियल नंबर a, b एंड c, 9 टाइम्स ऑफ 25a² प्लस b² 25 टाइम्स ऑफ c² माइनस 3ac इक्वल टू 15b 3a + c, देन ए बी सी ए पी जी पी क्या दिया है वो देखना है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो देखिए 225a², सारा कॉन्सेप्ट यहीं पे छुपा हुआ है, 25c², ये परफेक्ट स्क्वायर वाली फॉर्म है, माइनस 75ac माइनस 45ab माइनस 15bc इक्वल टू 0। अब देखिए मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 15a² प्लस 3b² प्लस 5c² माइनस ऑफ 75ac माइनस 45ab माइनस 15bc इक्वल टू 0। अगर मैं आपसे बोलूं 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो आप देखो क्या लिखोगे, 15a² प्लस 15a² समझना, 3b² प्लस 3b² प्लस 5c² प्लस 5c² मैंने क्या करा, 2 का मल्टीप्लाई किया और ये 2 का डिवाइड कर दिया। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस 150ac माइनस 90ab माइनस 30bc इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर मैं a के साथ और b के साथ कॉम्बिनेशन बनाऊं a b का, तो यहाँ पर भी देखिए 15 3 = 45 और ये 90, तो मैं ऐसा लिख सकता था 1/2 15a माइनस 3b का होल स्क्वायर। अब इस a के साथ अगर मैं आपसे अभी a के साथ b का कॉम्बिनेशन बताया था, अब a के साथ अगर मैं c का कॉम्बिनेशन बनाऊं तो ac 15 5 = 75, तो 150 चाहिए, तो ये आ गया देखिए प्लस 15a माइनस 5c का होल स्क्वायर प्लस, अब b के साथ अगर c का कॉम्बिनेशन बनाऊं तो देखिए क्या आएगा, 3b माइनस 5c का होल स्क्वायर, b के साथ बनाऊं तो 15 ये 30 हो गया इक्वल टू 0। अब 3 परफेक्ट स्क्वायर का वैल्यू 0 जब ही होता है जबकि हम ऐसा बोलें 15a इक्वल टू माइनस 3b इक्वल टू 0, a² प्लस b² प्लस c² कब 0 होगा, जब a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 0 इंडिविजुअली, तो इसका मतलब हम यहां पर बोल सकते हैं 15a इक्वल टू 3b या 5a इक्वल टू b, एक रिजल्ट आया। ऐसे ही 15a माइनस 5c इक्वल टू 0 यानी 3a इक्वल टू c, और ऐसे ही 3b इक्वल टू 5c, राइट, ये हमारे पास रिजल्ट आ गए, 5a इक्वल टू b, 3a इक्वल टू c, 3b इक्वल टू 5c। अब अगर हम इन रिजल्ट को ध्यान से देखें, जैसे यहाँ पर ऑप्शन दिए a b c जी पी में है ए पी में है, जैसे ये लिखा है मैंने मान लो b c a आर इन ए पी, सपोज थोड़ी देर के लिए लिखा है, रिवर्स से देखते हैं तो इसका मतलब 2c इक्वल टू a प्लस b होना चाहिए। देख लेते हैं a की वैल्यू कितनी है, देखिए अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू देखूँ इन टर्म ऑफ c, तो a की वैल्यू है c/3, राइट, और b की वैल्यू भी अगर इन टर्म ऑफ c देखूँ तो b की वैल्यू कितनी है, 5/3c, अगर मैं इसको ऐड करूँ तो ये हो जाएगा 6c/3 यानी 2c, तो यही करेक्ट आंसर हो गया। तो आपको करेक्ट आंसर क्या मिला, bca rn ap। इन 3 रिजल्ट से हमने ये देखा कि 2c इक्वल टू क्या हो रहा है, a प्लस b, मीन्स यहाँ पर हम बोल सकते हैं ACB या BCA
आर इन ए पी, राइट। पहले 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करके ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की परफेक्ट स्क्वायरिंग बनाई और उसके बाद इसको हमने कंपेयर कर दिया, नो डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एरिया का क्वेश्चन है, एरिया का क्वेश्चन मैंने बाद में इसलिए लिया है कि एरिया कभी भी स्टार्टिंग में ना करें, कई बार टाइम ले लेता है। क्या क्वेश्चन है? द रेडियस ऑफ अ सर्कल हैविंग मिनिमम एरिया विच टचेज द कर्व y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल टू मॉड x। मिनिमम वर्ड है, काम आएगा। पहले हम देखें पैराबोला, तो पैराबोला ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस y या एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉमन ले लें तो y माइनस 4। पैराबोला के वर्टेक्स हैं 0, 4 और ये जो आपको कर्व दिया है देख के समझ में आ रहा है मॉड x की लाइन है और कर्व जो है वर्टिकली डाउनवर्ड होगा प्लस माइनस 2 पे मीट करेगा लाइक दिस। ये हो गया 0, 4। अब मिनिमम बोला है, अगर देखिए मिनिमम बोला है तो सर्कल कुछ इसके अंदर होगा जो तीनों कर्व को टच कर रहा होगा। अगर मैक्सिमम बोला होता तो बाहर का सर्कल आता। अब एक चीज़ समझिए कि इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा तो ये रेडियस अगर मैं थोड़ी देर के लिए आर मान लूँ तो मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए 0, 4 - r, राइट। क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस 4 - r और ये r। अब आपके पास इस पॉइंट से अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डालूं तो वो रेडियस के इक्वल होगा। ये लाइन है y इक्वल टू x या x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई पे हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो r इक्वल टू देखिए कितना, x की जगह 0, y की जगह 4 - r अपॉन रूट टू, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट टू आर इक्वल टू 4 - r। अब आपको पूछा क्या है, आर पूछा है, मॉड साइन हटाओगे तो प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस रूट टू आर इक्वल टू 4 - r, राइट। एक बार प्लस लिया तो आर कॉमन, रूट टू प्लस 1 इक्वल टू 4, राइट। तो आर इक्वल टू आ गया 4 अपॉन रूट टू प्लस 1, रूट टू प्लस 1, और ऐसा भी बोल सकते हैं 4 - √2 - 1 अगर मैं रैशनलाइज कर दूँ। देखिए दिख भी रहा है, अब अगर आप नेगेटिव साइन लेते तो क्या होता, -√2r + r = 4। आर नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये आंसर नहीं है। तो करेक्ट आंसर हुआ 4 times √2 - 1, 4 times √2 - 1, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। ट्रू और फॉल्स बेस्ड पे द फॉलोइंग स्टेटमेंट पी टेंस टू क्यू टेंस टू नेगेशन ऑफ पी टेंस टू क्यू क्यू। अब इसमें करना क्या होता है, देखिए वैसे ये स्टेटमेंट देखना हमें कि ट्रू है कि फॉल्स है, तो एक पहले लेते हैं पी और एक क्यू, राइट। ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, राइट। आपको एक नेगेशन पी की जरूरत भी पड़ेगी, नेगेशन पी भी ले लें। नेगेशन पी मतलब जब ट्रू हो तो फॉल्स, ट्रू हो तो फॉल्स, फॉल्स हो तो ट्रू, फॉल्स हो तो ट्रू। अब सबसे पहले हम एक लेते हैं पी टेंस टू क्यू की एक टेबल, राइट। पी टेंस टू क्यू, अब देखिए क्या लेना है मुझे, पी टेंस टू क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी क्यू क्यू। अब देखिए इसके साथ देखिए तो ट्रू ट्रू का ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, यानी ये टोटोलॉजी का एक एग्जांपल हुआ, तो इसका आंसर होगा करेक्ट टोटोलॉजी, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? द एरिया इन स्क्वायर यूनिट रीजन एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ये इनइक्वलिटीज दिए, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 आप कॉमन बना लें इक्वल लेके अपने आप आ जाएगा, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4y एंड वाई लेस देन इक्वल टू 1 + √x। अब देखिए पहला अगर हम ध्यान दें तो पहले तो लाइन दी हुई है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 मान लें तो ये लाइन हो गई। एक दिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y तो कुछ इस तरह का कर्व हो गया, और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये ना बनाए तो भी चलेगा। अच्छा लास्ट वन दिया है वाई लेस देन इक्वल टू 1 + √x, तो वाई इक्वल टू 1 + √x लीजिए इसको, तो एक तरह से वाई माइनस 1 इक्वल टू रूट एक्स, तो वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यानी एक पैराबोलिक कर्व है और y लेस देन इक्वल टू 1 + दिया हुआ है, तो कुछ इस ये 1 इसका ऐसा मिलेगा कुछ कर्व, राइट। ये हो गया y लेस देन इक्वल टू 1 + √x। अब इसके अलावा एक लाइन दी हुई है, लाइन ये हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो रिक्वायर्ड एरिया ये हमें मिल गया,
अब ये रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले समझिए आप ये एरिया, ये एक परपेंडिकुलर डाला तो ये एरिया माइनस करना है, इस वाले कर्व के साथ निकालना है मुझे एक ये कर्व है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला तो ये वाला एरिया मिल गया, फिर इसके साथ ये निकाल सकते हैं हम लाइन का एरिया और माइनस ऑफ दिस एरिया। तो क्या क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 4y और लाइन दी हुई है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू रख दें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 6 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इसमें x की वैल्यू आ गई 2, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,0 होगा इसके 3,0। अब इस पॉइंट की ओर निकालिए, तो ये ऊपर वाला कर्व है, इस कर्व में देखिए वाई की जगह हम रख दें कितना 3 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स, तो ये हो गया 2 माइनस एक्स इक्वल टू रूट एक्स, स्क्वायरिंग करिए 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 नहीं, अरे सॉरी ये माइनस 5x होगा, तो माइनस 5x होने से x माइनस 4 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 बाहर निकल जाएगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 1,0। बस तो अब ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया। 0 टू 1 में मैं इस वाले कर्व को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो इस वाले कर्व का y कितना है 1 प्लस रूट एक्स इंटू डी एक्स, प्लस ध्यान दीजिएगा प्लस 1 से 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले कर्व को, ये जो कर्व दिया हुआ है इस वाले कर्व को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है, तो 1 से 2 में ये कर्व लिया तो इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वेयर, नहीं ये लाइन ले लें तो लाइन की वैल्यू क्या है 1 से 2 में, एक्स माइनस 3 डी एक्स माइनस ऑफ ये जो है इस वाले कर्व को हम माइनस कर दें 0 से 2 में, तो 0 to 2 एक्स स्क्वेयर बाय 4 डी एक्स, बस इतना करें तो आपका आंसर आ जाएगा। यस, यहाँ पर एक्स माइनस 3 नहीं होगा, ये 3 माइनस एक्स होगा। अब करिए इसको सॉल्व। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान दीजिएगा पहले ये वाला कर्व का एरिया निकाला, फिर ये लाइन का एरिया निकाला इतने में, और ये नीचे वाला एरिया को माइनस कर दिया तो ये रिक्वायर्ड एरिया मिल गया। अब इसको आप इंटीग्रेट करिए तो देखिए क्या क्या होगा, एक्स प्लस एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 to 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 1 से 2 माइनस 1/4 बाहर लिख दीजिए एक्स क्यूब बाय थ्री 0 to 2 वैल्यू रखिए, सबसे पहले 1 रखिए, तो 1 रखा तो 1 प्लस 2/3 ये ऊपर चला जाएगा, एक रिजल्ट ये आया, यहाँ 2 रखिए तो 6 माइनस 2 का स्क्वायर 4/2 2 और अब रखिए वन तो 3 माइनस 1/2 माइनस ऑफ 1/12 2 का क्यूब हो गया 8। अरेंज करिए, ये हो गया 5/3 प्लस 4 माइनस ऑफ 6 माइनस 1 5/2 माइनस ऑफ 2/3 पूरा अरेंज कर लीजिए, तो 5/3 ये हो गया 8 माइनस 5 प्लस 3/2 माइनस 2/3 एलसीएम आ गया 6, तो 10 प्लस 9 माइनस 4 19 माइनस 4 15/6 मतलब 5/2 इज अ राइट आंसर, तो करेक्ट आंसर इज 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट। 20 मीटर ऑफ वायर इज अवेलेबल फॉर फेंसिंग ऑफ अ फ्लावर बेड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर, एक सर्कुलर सेक्टर के फॉर्म में आप 20 मीटर्स के वायर को ये आपने बैंड किया। देन द मैक्सिमम एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द फॉलोइंग बैड, अब ये सपोज थीटा है, ये सर्कुलर फॉर्म है तो ये रेडियस आर हो गया, ये रेडियस आर हो गया, तो मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ आर प्लस आर इंटू थीटा इक्वल टू 20, राइट। तो ये कितना हो गया आर थीटा इक्वल टू, अगर मैं बोलूँ तो 20 माइनस 2 आर अपॉन आर,
अच्छा ये आ गया थीटा इक्वल टू 20 माइनस 2r अपॉन r, और अगर मैं इसका एरिया बोलूं तो एरिया होगा देखिए 1/2 r स्क्वायर इनटू थीटा, 1/2 r स्क्वायर इनटू, अब यहां पर अगर मैं थीटा की वैल्यू डाल दूं 1/2 r स्क्वायर 20 माइनस 2r अपॉन r, तो मुझे एक तरह से मिला एरिया 2 एक कैंसिल हो जाएगा, एक r भी कैंसिल, r इनटू 10 माइनस r या 10r माइनस r स्क्वायर। फॉर मैक्सिमा मिनिमा इसको डिफरेंशिएट किया मैंने तो 10 माइनस 2r, फॉर मैक्स मिनिमा इसको जीरो से इक्वेट किया तो r की वैल्यू आई 5। अगर सेकंड डेरिवेटिव करूं तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, वो सॉरी मैक्सिमा है, क्योंकि आप जब सेकंड डेरिवेटिव करते तो आपको माइनस 2 मिलता, यानी लेस देन जीरो, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो r की वैल्यू आ गई 5, तो इसका मतलब एरिया आ गया, एरिया ये है 10 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो 50 माइनस 25 इक्वल टू 25, तो करेक्ट आंसर हुआ 25 यूनिट। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर एन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री अप टू एक्स प्लस एन माइनस वन बार इंटू एक्स प्लस एन इक्वल टू 10n हैज टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन देन एन इक्वल टू। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा मैं समझाता हूँ। अगर मैं इसको देखूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, इसको सॉल्व करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू है, इसको सॉल्व करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स है, राइट। इसका मतलब एक हमको ऑर्डर पेयर मिलता चल रहा है। अगर हम लॉजिकली देखें तो इसका आंसर हम ट्रिक से दे सकते हैं, यहाँ पर वन है, यहाँ पर थ्री है, यहाँ पर फाइव है, यहाँ पर टू है, फिर सिक्स है। अगर मैं इसके बाद वाला टर्म आपसे पूछूँ तो टू थ्री के बाद थ्री फोर आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व आया, राइट। क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व। अब अगर मैं ऑप्शन से करने की कोशिश करूं, जैसे मान लीजिए मैंने 10 लिया होता तो मुझे आखिरी टर्म क्या मिलता, एक्स प्लस नाइन इंटू एक्स प्लस टेन, राइट। तो ये मिलता एक्स प्लस नाइनटीन, एक्स प्लस नाइनटीन, और ये मिल जाता आपको 90। अब अगर हम इसकी सीरीज बनाए किसकी, टू सिक्स 12 की, तो आपको 90 नहीं मिलेगा 2 के मल्टीपल्स पे। अगर देखें जैसे मैं अगर यहाँ 11 रखूँ तो 11 क्या मिलेगा, इसका एन टर्म निकालना मैं आपको सिखा देता हूँ जिससे आप कंक्लूजन दे पाएंगे। देखिए पहला टर्म है 2, फिर है 6, फिर है 12, तो अगर मैं देखूँ तो 2, अगला टर्म होगा 2 प्लस 4, अगला टर्म होगा 2 प्लस 4 प्लस 6, तो अगर मैं इसका एन टर्म बोलूँ तो आप बोलेंगे 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू एन टर्म, राइट। ये इवन की सीरीज है जिसका समीशन होगा n इंटू एन प्लस वन, राइट। कितना आएगा, n इंटू एन प्लस वन। अब हमको क्या क्या टर्म मिल सकते हैं वो हमें देखना है यहां पर, यस yes। तो इसका देखिए nth टर्म आता है n इंटू एन प्लस वन, ये हमें कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। अब सपोज आपने इसमें मान लीजिए 11 लिया ऑप्शन से, इसको ऑप्शन से क्रॉस चेक कर सकते हैं, तो ऑप्शन से करूं मैं तो 11 लिया तो x प्लस टेन इंटू एक्स प्लस 11 इक्वल टू 110 मिलता, राइट right। और अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ, ये काम आएगी इक्वेशंस, तो क्या मिलेगा बताइए, ये मिलेगा अगर इसमें टोटल हम टर्म देखें तो यहाँ पर टोटल टर्म होगा 11, राइट। 11 टर्म होगा तो 11 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 3 5 ये 11 टर्म है, तो समीशन ऑफ ऑड टर्म क्या होता है, 1 प्लस 3 प्लस क्या लिख लेते हैं, 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू एन टर्म का समीशन होता है एन स्क्वायर। तो 11 का समीशन यहाँ पर कितना है, 1 थ्री फाइव, तो टोटल टर्म है 11, तो 11 का स्क्वायर 121x। 11 इसलिए लिया कि यहाँ पर एक कॉमन चीज़ मिल सकती है हमें, अच्छा प्लस यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 2 प्लस फिर उसके बाद 6 प्लस उसके बाद 12 और लास्ट टर्म होगा 110 इक्वल टू 110। अब यहाँ पहले टर्म से स्टार्ट नहीं, यानी यहाँ पे हमें 10 टर्म का समीशन करना है। मैंने अभी आपको tn बताया था, tn आया था n इंटू एन प्लस वन मीन्स एन स्क्वायर प्लस एन। अगर मैं आपसे बोलूं इससे sn लिखो तो आप लिखते सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन, और ऐसे 10 टर्म का समीशन करना होता तो सिग्मा एन स्क्वायर से करते, तो देखिए सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स प्लस एन एन प्लस वन बाय टू। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो 3 से 2 टाइम्स ये 7 टाइम कैंसिल, ये 5 टाइम, तो ये हो जाता 35 इंटू 11 प्लस 55, राइट। तो ये हो जाता कंप्लीट सॉल्व होके 384 प्लस 55 440, यानी x 11x स्क्वायर प्लस 121x
प्लस 440 इक्वल टू 110, तो एक तरह से 11x स्क्वायर प्लस 121x प्लस 330 इक्वल टू 0, 11 से कैंसिल, x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। अब इसके फैक्टर बनाए तो 5, 6 बनते हैं, तो देखिए x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 5 माइनस 6। इसका मतलब ये 2 कॉन्जुगेटिव सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो करेक्ट आंसर हुआ 11। करेक्ट आंसर क्या हुआ? 11। आप अब इसमें क्योंकि हमें 2 मिल गए तो अदर ऑप्शन मैंने सेटिस्फाई नहीं करवाए, पर नहीं मिलते तो फिर हम अदर ऑप्शन को सेटिस्फाई करवाते, नोट डाउन। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, ये 11x स्क्वायर ही रहने वाला था, ये एक ऐसी चीज़ थी जैसे 11x स्क्वायर, अगर 10 लेते तो 10 टर्म आते, 9 लेते तो 9 टर्म हो सकता था, कॉमन नहीं मिलता। तो आप इसको अभी क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हो तो सारे ऑप्शंस को मैं बोलूँगा एक बार क्रॉस चेक करके देखिएगा, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यस, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था और ये क्वेश्चन इस पेपर का आई थिंक बहुत ईजी था। मैं हमेशा स्टूडेंट से बोलता हूँ इजी क्वेश्चन में मिस्टेक होती है और वही मिस्टेक मुझसे भी हो गई, क्या हुई बताता हूँ। अ बॉक्स कंटेन 15 ग्रीन बॉल्स, इसलिए इसको करेक्ट कर रहा हूँ, 10 येलो बॉल्स। इफ 10 बॉल्स आर रैंडमली ड्रॉन 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट, देन द वेरियंस ऑफ द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स। तो वेरियंस पूछा है, तो वेरियंस होता है एन पी क्यू, मैंने एन बाई चांस मिस्टेक से 25 लिख दिया था, एन होगा, हमें बोला है 10 बॉल्स आर रेंडमली ड्रॉ, तो एन होगा 10, ग्रीन बॉल बोला है तो 15 by 25, ग्रीन ना आए मतलब येलो आए मीन्स 10 by 25, राइट। आप बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 से ये कैंसिल 3 times, ये 5 times, ये 5 से कैंसिल 2 times, ये 5 times, 5 से ये 2 times कैंसिल, तो कितना हो गया, ये टोटल हो गया 3 2 6, 6 into 2 12 by 5। तो करेक्ट आंसर इसका 12 by 5 होगा, वहाँ मैं गलती से बाय मिस्टेक 6 लिख गया था, वो एन में मिस्टेक हो गई थी। और वैसे पूरा ध्यान रखा है कि पेपर में कहीं कोई मिस्टेक्स नहीं हो, पर अगर कहीं कोई मिस्टेक हुई हो तो आप जरूर मुझे कमेंट्स करें, मैसेज करें, मैं उसको करेक्ट करूँगा। पेपर काफ़ी अच्छा था, 10 क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे जो एक फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकते थे, यानी 1-2 स्टेप में हो सकते थे। 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें टाइम लग सकता था और 5-6 क्वेश्चन काफ़ी लेंदी थे, अगर आप वो क्वेश्चन पहले करते तो हो सकता था आपके टोटल अटेम्प्ट कम होते। तो पेपर को अगर आप एनालिसिस बिना करे आपने किया, ये उन बच्चों के लिए मैसेज है जो अगले साल या आगे अपेयर होंगे, बिना एनालिसिस के पेपर को कभी भी सॉल्व नहीं करना है, एनालिसिस करके ही करें, स्कैनिंग करके करें कि कौन सा ऑर्डर सबसे अच्छा होगा। तो पेपर बहुत अच्छा था, मैथ्स बहुत टफ नहीं था, कुछ क्वेश्चन को छोड़ दें 5-6, तो बाकी क्वेश्चन इजीली मैनेजेबल थे। और इम्पॉर्टेंट बात, सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक थ्योरी पे बेस्ड थे, कहीं कोई ऐसा नहीं हुआ। मैंने आपको पेपर के पहले ये बात बोली थी और बिल्कुल वैसे ही हुआ, जो लास्ट 15-16 ईयर का पैटर्न था ऑलमोस्ट वही पैटर्न था। बेसिक थ्योरी पे अगर आपका कमांड था तो आपके क्वेश्चंस इजीली बन सकते थे।